गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लासिक सर हम लोग जो पढ़ रहे थे उसमें हमारा एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 13 है, जिसको हम लोग क्या करना है, दिए गए डिवाइड फ्रैक्शन को हम लोग को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो जहाँ पे कुछ तरीका है जिसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, अगर आपका न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की बात करें तो अगर वो क्या होता है, न्यूमिनेटर अगर ये होता है छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, वो हमेशा जो होगा डिजिट का वैल्यू जो होगा वन से क्या होगा छोटा होगा, जीरो और वन के बीच में होगा। याद रखिएगा जीरो और वन से बीच में होगा अगर न्यूमिनेटर आपका छोटा होता है तब। ठीक है, न्यूमिनेटर छोटा होता है तो यहाँ पे देखिएगा 3/7 न्यूमिनेटर छोटा है। अगर आप डिवाइड करके भी देखिएगा ये क्या आएगा, आपको जीरो से पॉइंट में आंसर आएगा। ठीक है ना, वो करने के लिए तो सबसे पहले क्या करते हैं कि एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, नंबर लाइन पे ओरिजिन जीरो ले लेते हैं और आप कहीं कहीं से बड़ा एक वन ले लेते हैं। ठीक है, लेने के बाद आप क्या करते हैं, आपका डिनोमिनेटर कितना है, आपका डिनोमिनेटर 7 है, तो जीरो से वन को हम 7 में पार्ट में बांट लेते हैं। 7 पार्ट में बांट लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, ये चीज बांट लिया, बांटने के बाद क्या करते हैं, तीसरा आपका डिनोमिनेटर में आते हैं थर्ड। ठीक है, तो 1, 2, 3 इसको क्या कर लेते हैं, इसको हम लोग हाईलाइटेड कर लेते हैं और इसको हम लोग 3/7 लेके आते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, सेम यही जो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका 4/5, यहाँ भी न्यूमिनेटर छोटा है, लेकिन नंबर लाइन ले लीजिएगा 0 और 1। ठीक है, इसको 5 times मान लीजिएगा, 1, 2, 3, 4 और एक 5 times हो गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, 4 लेते हैं, काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, यानी कि इसको हाईलाइटेड कर देते हैं और 4/5 ले लेते हैं। ठीक है, अब आपको हम क्वेश्चन नंबर 2 समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है कि 15/7, देखिए इसको मिक्स में कन्वर्ट कीजिएगा तो 2 whole 1/7 आएगा। तो ये तो 2 whole है, ये है, तो आप एक नंबर लाइन ड्रॉ कीजिएगा, एक 0 हो जाएगा, एक आपका 1 होगा, एक 2 होगा, उसके बाद से एक तीसरा होगा। ठीक है, इसमें से 1/7 यानी कि इसको 7 पार्ट में बांट दीजिएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक 7 हो गया और ऊपर 1 है तो 2 के बाद ये। ठीक है, इसको मोटा हाईलाइटेड कर लीजिएगा और ये 1/7 हो गया, यानी कि अगर इसको हमको लिखना होगा, ठीक है, ऊपर में हम 2 whole 1/7 या इसको हम 15/7 लिख सकते हैं। तो जो एक्सरसाइज 5.1 था, तो सबसे लास्ट क्वेश्चन जो था आपका ये है, तो ये फ्रैक्शन का हो गया। अब अगला जो चैप्टर होगा जिसमें हम लोग को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पढ़ना है, ठीक है ना, उसके अलावा सिंपलेस्ट फॉर्म पढ़ना है, फिर फ्रैक्शन का ऐड होगा, तो जैसे भी होगा उसको हम क्या करेंगे, इस अगले क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज में जो है आपको हम सॉल्व करके बताएंगे और सिखाएंगे। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, न्यूमरेटर क्या हो, आपका न्यूमरेटर जब आपका छोटा हो, जीरो और वन के बीच में आपका न्यूमरेटर हो तब की बात होती है, और उसके अलावा होता क्या है कि जब आपका न्यूमरेटर बड़ा हो तब ये होल में कन्वर्ट होता है और फिर यहां से बनता है। तो आज की क्लास में इतना ही, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।